राम मनोहर लोहिया का जन्म 23 मार्च 1910 को ब्रिटिश काल के दौरान हुआ था। राम मनोहर लोहिया का भारतीय राजनीति में अहम योगदान रहा है। कई दशकों तक चले स्वतंत्रता आंदोलन में एक छोटी सी उम्र में राम मनोहर लोहिया ने हिस्सा लिया। 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की और उनके साथ जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र दास और यूसुफ मेहर जैसे स्वतंत्रता सेनानी के साथ रहे। भारत छोड़ो आंदोलन में समाजवादियों ने अहम भूमिका निभाई। आगे चलकर इन्होंने अपना एक चैनल भी शुरू किया जिसका नाम था कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। 1944 में अंग्रेजों ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया और लाहौर की जेल में निर्मम तरीके से बहुत यातनाएं दी। 1946 में इन्हें जेल से रिहा किया गया। अंग्रेजों ने इन्हें शारीरिक रूप से इतनी यातनाएं दी कि ये शारीरिक रूप से कमजोर हो गए। जेल से छूटने के बाद वो स्वस्थ होने के लिए अपने दोस्त के यहाँ गोवा में कुछ दिनों के लिए रहने चले गए, जब गोवा में पुर्तगालियों का शासन हुआ करता था। और लोहिया को जब ये पता चला कि गोवा में किसी सार्वजनिक सभा पर रोक है, ये जानने के बाद 1946 में लोहिया ने एक जनसभा में पुर्तगालियों को चुनौती दे डाली और गोवा आंदोलन के शीर्ष नेता बने। लोहिया भारत विभाजन के सख्त विरोधी थे। भारत के विभाजन और गांधी जी के निधन के बाद लोहिया ने कांग्रेस पार्टी में काफी बदलाव देखा और परिणाम ये हुआ कि वो अलग हो गए। 1948 में सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया। लोहिया आजाद भारत के पहले नेता थे जिन्होंने मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाई। भारत की आजादी और बंटवारे के 20 वर्षों के बाद तक समाजवादी आंदोलन को मजबूती देने और उसका नेतृत्व करने में लगे रहे। 1963 में फरुखाबाद से वो सांसद चुनकर पहली बार संसद पहुंचे, लेकिन अक्टूबर 1966 में उनका निधन हो गया और वो 3 साल तक ही सिर्फ संसद के सदस्य रह पाए। लेकिन इतने कम समय में भी संसद में कई ऐसी बड़ी बहसों में उन्होंने हिस्सा लिया जो वाकई में काबिले तारीफ है, जिसमें उनकी छवि एक बहुत ही निर्भय और निडर नेता के तौर पर हमेशा वंचितों के लिए आवाज उठाने वाली रही है। साथ इन्होंने महिलाओं के लिए भी काफी आवाज उठाई। लोहिया हर उस परंपरा विचार और रूढ़िवाद के खिलाफ थे जो भारत के हित में नहीं था। लोहिया के विचारों में दर्शन, इतिहास और सामाजिक चिंतन का अद्भुत संगम था। लोहिया जाति प्रथा को एक कुप्रथा मानते थे। स्वतंत्रता, समता, समानता के मजबूत पक्षधर भी थे। लोहिया ने जर्मनी में रहते हुए कार्ल मार्क्स को पढ़ा और उसे भारत के लिहाज से अपूर्ण कर दिया। लोहिया देश की परिस्थिति और काल के हिसाब से राजनीति के पक्षधर थे। लोहिया भारत में सप्त क्रांति चाहते थे जिससे पुरुष स्त्री की समानता, जन्म जाति संबंधित असमानताओं का अंत हो, अमीर गरीब की बराबरी हो सके और मानवाधिकार के हनन के खिलाफ आवाज उठाने जैसे मुद्दों को जरूरी मानते थे। साथ ही सरकार के खिलाफ सत्याग्रह और सिविल नाफरमानी के भी हिमायती थे। डॉक्टर लोहिया सिर्फ विचार रखते ही नहीं थे बल्कि अपने विचारों को पूरी तरह से प्रत्यक्ष करके दिखाने में भी विश्वास रखते थे। डॉक्टर अंबेडकर मानते थे कि लोहिया महान राजनेता हैं और उन्हें भारत की सही समझ है। 12 अक्टूबर 1966 में उनका निधन हो गया। लोहिया ने महज अपने 57 साल के जीवन में विचार और बहसों से एक अमिट छाप छोड़ दी।